$1,000 मंथली दिया जाता है अगर आप मास्टर के प्रोग्राम में आते हो, मतलब $1,000 एज योर खर्चा दिया जाता है, फीस उसके अंदर निकाल के सब कुछ छोड़ के आपका $1,000 पाकिस्तानी आपका 2 लाख से ऊपर बन जाता है जो आपकी अपनी सेविंग है। उसके बाद यार टूर पे आए हुए हैं हम, तो आज की जो वीडियो है ये मैं आपको थोड़ा बहुत माहौल भी दिखाना मेरा मकसद है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा। ये देखें, सबसे पहले आपको मैं सैर करता हूँ अपने शहर की, ये देखें ब्यूटीफुल ग्रीन और उसके बाद ये मैं हूँ, ऑफकोर्स मैं ही हूँ। ये देखें कैसा माहौल है, ये पीछे मेरे दोस्त हैं, वो पीछे जो बैठा है वो मेरा भाई है जिसको मैंने खुद स्पॉन्सर किया था, सॉरी स्पॉन्सर नहीं, मैंने खुद उसका सारा वीज़े का प्रोसेस किया था। तो ये पीछे का सिस्टम है देखें यॉट का, और ये सिटी है यहाँ पे। तो इस वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो है इसके साथ मैं कोरिया की स्कॉलरशिप को एक्सप्लेन करूँगा, GKS को मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो जिस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो मतलब हर कोई स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो इसकी बहुत एडवांटेज है, मतलब आपको मैं आपको जनरली एक मिनिमम बताता हूँ कि आपको तकरीबन $1,000 मंथली दिया जाता है अगर आप मास्टर के प्रोग्राम में आते हो, मतलब $1,000 एज योर खर्चा दिया जाता है, फीस उसके अंदर निकाल के सब कुछ छोड़ के आपका $1,000 दिया जाता है। बाकी मेरी वीडियो पूरी देखें, लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप कुछ इस वीडियो में से हासिल करना चाहते हो तो मेरी वीडियो पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई उस वीडियो में पूरी बात एक्सप्लेन नहीं हो सकी, इसलिए मैं अपने घर आया हूँ और अपने घर में मैं बैठ के आपको तफसील से सब कुछ बताता हूँ इस GKS स्कॉलरशिप के बारे में, ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें मैं सबसे पहले बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद एप्लीकेशन पीरियड, उसके बाद स्कॉलरशिप ड्यूरेशन और कोटा कितना है और एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों पर मैं बात करूँगा। और सबसे पहले मैं बेनिफिट का जिक्र करता हूँ। सबसे पहले आपको इंट्री, जब आप इंटर होते हैं कोरिया में और जब आप एग्ज़िट होंगे, मतलब जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके एग्ज़िट होंगे, तो आपको एयर टिकट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, इंट्री पे भी, जब आपका वीज़ा लगेगा फर्स्ट टाइम, और जब आपका वो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन वगैरह जो भी होगी वो कंप्लीट होगी तो आपको एयर टिकट दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इकॉनमी क्लास। उसके बाद जब आप यहाँ पर कोरिया में आएंगे तो आपको इनिशियल जो आपका जो खर्चा होगा तकरीबन उसको तकरीबन 2 लाख कोरियन वन तकरीबन बनते हैं $200 राउंड अबाउट पाकिस्तानी 30-40 हज़ार रुपया बनता है, तो वो उसको सेटलमेंट अलाउंस में दिया जाएगा। सेटलमेंट अलाउंस मतलब यहाँ पे आके आप धक्के शक्के ना खाएं, मतलब फॉर एग्जांपल आप अपनी अकोमोडेशन का कुछ कर लें या फिर जो भी आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। तीसरी बात ये है कि 1 मिलियन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो 1 मिलियन कोरियन वन तकरीबन $1,000 पाकिस्तानी 1,70,000-80,000 रुपया बनता है, वो मास्टर्स के स्टूडेंट को दिया जाएगा जो बिल्कुल फीस को छोड़ के बिल्कुल उसका अपना खर्चा होगा, मतलब उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी 1 मिलियन जो बहुत ज़्यादा है, मतलब एनफ है। कोरिया में अगर आप ज़्यादा भी खर्चा करें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल घर में घर का जो रूम का रेंट हो गया उसके बाद बिल वगैरह दे के उसके बाद जो क्या कहते हैं, मैं कोरिया में तीन चौथा साल में रहा ये कोरिया में, तो मुझे सब कुछ पता है कोरिया के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आप इसमें से हाफ मनी आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने घूमने फिरने जाना है किसी दूसरे शहर में जाएं उसको छोड़ के भी, मैं तकरीबन आप इसमें से $500 जो है वो साइड पर कर सकते हैं, अपना सेविंग कर सकते हैं इस इनकम में से। और इसके अलावा PhD स्टूडेंट के लिए 1.5 मिलियन तकरीबन $1,500 कोरियन दिया जाता है रिसर्च स्टूडेंट्स और रिसर्च स्टूडेंट के लिए। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो मंथली जो हम स्टूडेंट हैं या फिर जो बाहर के मतलब जितने भी फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, वो मंथली इंश्योरेंस पे करते हैं तकरीबन 55,630 कोरियन वन तकरीबन मे बी $50-60 भी ये बनता है, इतनी ये इंश्योरेंस पे करते हैं एवरी मंथ, ये है यू हैव टू पे दिस इंश्योरेंस, तो ये भी गवर्नमेंट आपको देगी, मतलब आपने इसकी बाद में भी कुछ भी रुपया भी नहीं देना। उसके बाद है 100% ट्यूशन सपोर्ट, एज आई टोल्ड यू कि बिल्कुल ट्यूशन बिल्कुल फ्री है। उसके बाद 2,10,000 कोरियन वन उसको स्टूडेंट को दिया जाएगा हर मंथ,
एडिशनल अलाउंस है ये स्टूडेंट को दिया जाएगा जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, और जो मतलब साइंस और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में है उसको तकरीबन 2,40,000 कोरियन वन दिया जाएगा, तकरीबन $250 के राउंड अबाउट ये रकम बनती है। $200 अब ये कर लें, $200 उसको दिया जाएगा जो मतलब आर्ट्स के कोर्सेज में है मतलब, और उसके बाद तकरीबन $250 उसको दिया जाएगा जो अपना साइंस के सब्जेक्ट्स में है। तो ये मतलब अगर आप कैलकुलेट करें, मैंने बताया था कि 1 मिलियन कोरियन वन मास्टर के स्टूडेंट को दिया जाएगा, और अगर 1 मिलियन में अगर आप ये भी तकरीबन डालें तो 2,10,000 कोरियन वन, तो ये मतलब तकरीबन पाकिस्तानी आपका 2 लाख से ऊपर बन जाता है जो आपकी अपनी सेविंग है। उसके बाद थीसिस प्रिंटिंग फी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत खर्चा होता है, मतलब आपको पता है कि मतलब पूरी पूरी बुक आपको प्रिंट करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट तकरीबन $500 से $800 तक सपोर्ट करती है। मतलब ये आप ही समझ लें कि तकरीबन फुल सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है, आपने रुपया भी नहीं खर्च करना। उसके बाद डिग्री जब आपकी कंप्लीट होगी कोरिया में तो आपको 1 लाख कोरियन वन दिया जाएगा, तकरीबन $100 फॉर एग्जाम्पल, हाँ तकरीबन राउंड अबाउट $100 आपको दिया जाएगा। ये होगी बेनिफिट इस स्कॉलरशिप के। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इस स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन में आप काम नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप वीकेंड में और छुट्टियों में सिर्फ आप काम कर सकते हैं, आपको काम अलाउड नहीं है इस वीज़े पे, जो बंदा आएगा उसको काम अलाउड नहीं है। तकरीबन 3 महीने और 15-20 दिन का सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर ख़त्म होगा तो आपको 2.5 महीने काम आपको अलाउड है, आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। उसके बाद एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास टॉपिक के लेवल हैं इस काम में, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अगर आपके पास टॉपिक के 3 लेवल हैं और टॉपिक के 4 या 5, या यहाँ पे एक प्रोग्राम है KIIP प्रोग्राम, तो अगर आप वो भी कोरियन लैंग्वेज और कोरियन कल्चर का प्रोग्राम है, अगर वो आपको मतलब अगर आप उसमें फुल हैंड है आपका मतलब, तो उसका भी आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे आपको और एडिशनल स्कॉलरशिप आपकी लग सकती है। और उसके बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट काम, यहाँ पे आपको जो है ये स्टडी करके आपका वीज़ा चेंज होने में वो बहुत ही हेल्प देता है, मतलब कोई बार जॉब ढूंढने में, या फिर मतलब आगे जो भी मतलब कोरिया में मतलब F2 वीज़ा अप्लाई करने में, जो मतलब कोरिया का एक तरह की PR है। उसके बाद एप्लीकेशन पीरियड में मैं डिस्कस करूँगा कि इसका जो है जनवरी 31 से लेकर मार्च 31 तक, ये तकरीबन इस डेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका वीज़ा है और एयर टिकट है वो तकरीबन जून 12 जून से तकरीबन 21 जुलाई के दरमियान आपका वीज़ा और एयर टिकट का सारा काम हो जाता है। स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 3 साल के लिए, 3 साल की मास्टर्स की स्कॉलरशिप है और 4 साल की PhD के लिए स्कॉलरशिप देती है। उसके बाद अगर रिसर्च प्रोग्राम है तो उसके लिए 6 months to 1 year, 6 महीने से 1 साल तक की स्कॉलरशिप रिसर्च प्रोग्राम के लिए स्पेशली लगती है। तो इसमें 3 साल का मास्टर, आप सोच रहे होंगे 3 साल का मास्टर, मास्टर 2 साल का होता है, तो ये समझें इस प्रोग्राम में जो भी आता है तो उसका जो पहला साल है वो कोरियन लैंग्वेज उसने सीखनी होती है, जो बिल्कुल ज़रूरी है। कोरियन लैंग्वेज सीखेगा वो पहले साल में, वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप प्राइवेट किसी जगह पे मतलब जो यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए स्टूडेंट आते हैं अपने अपने मुल्कों से, तो वो तकरीबन $1,000 तक 2 सेमेस्टर्स की फ़ी पे करते हैं, लेकिन इस स्कॉलरशिप में कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में बिल्कुल ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लैंग्वेज फ्री में सीखेंगे। और PhD के लिए 3 साल की PhD है और 1 साल का लैंग्वेज डाल के 4 साल के लिए स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एम्बेसी ट्रैक में तकरीबन टोटल सीट्स हैं हमारे पास, 2 ट्रैक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए 2 ट्रैक्स हैं, एक एम्बेसी ट्रैक एक यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो एम्बेसी ट्रैक में आपके लिए 603 सीट्स हैं और यूनिवर्सिटी ट्रैक में पूरी दुनिया के लिए 625 सीट हैं। तो लेकिन पाकिस्तान, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है कंट्री वाइज। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री की आबादी ज़्यादा है, या फिर किसी की कोरिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो उसके हिसाब से मतलब ये कोटा अप डाउन होता रहता है। मतलब कभी इंडिया के पास ज़्यादा चलेगा, कभी अफगानिस्तान सॉरी कभी किसी कंट्री के पास ज़्यादा चलेगा, कभी पाकिस्तान के पास कम हो गया। लेकिन इस साल पाकिस्तान के लिए कोटा है 5 एम्बेसी ट्रैक में, 1 रिसर्च प्रोग्राम में और 9 यूनिवर्सिटी ट्रैक में। टोटल तकरीबन पाकिस्तान के लिए ये 15 सीटों का कोटा है। और इसके अलावा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में 100 अलग से सीटें हैं, वो उसके लिए कोई कोटा नहीं है, वो कोई भी
अप्लाई कर सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में R&D में। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ, बहुत सी मतलब पॉइंट्स है एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं मतलब आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एप्लीकेंट एंड हिज और हर पेरेंट्स मस्ट नॉट बी कोरियन सिटीजन और ड्यूल नेशनैलिटी। किसी भी एप्लीकेंट के पास कोरियन नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए और किसी दूसरे कंट्री की ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी सबसे पहले ये है। उसके बाद CGPA है 2.64 आउट ऑफ 4 होना चाहिए। अगर मतलब पाकिस्तान में 4 चलता है और यहाँ पे 4.5 टोटल होता है, तो इसलिए CGPA जो सा है वो 2.64 आउट ऑफ 4 और लिटरली आप कह सकते हैं कि 80% आपके होने चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट है जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा है, मतलब मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है, वो है उसकी जो एक एज रिक्वायरमेंट है वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट है जो उसकी अच्छी जो है वो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा कोई ज़्यादा जो है ना सट्टे शट्टे वड्डी वज्जी वो नहीं, मतलब कोई आप कह सकते हैं कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट हैव नो क्रिमिनल हिस्ट्री, मतलब आपका जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड पाकिस्तान से मिलता है वो बिल्कुल एकदम साफ होना चाहिए, मतलब उसमें आप कोई भी इश्तिहारी इश्तूरी ना होनी चाहिए मतलब। तो ये है एलिजिबिलिटी की मैं बात। अगली वीडियो में बताऊँगा कि मतलब दो ट्रैक्स को एक्सप्लेन करूँगा कि एम्बेसी ट्रैक है और यूनिवर्सिटी ट्रैक है, इनका क्या प्रोसीजर है, इनको मैं अप्लाई कैसे कर इनको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इनके लिए चांसेस किस में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है मेरे बहुत से वाकफियत में तो वो मतलब यहाँ पे इसी स्कॉलरशिप पे आए हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट दो चार इंडियन स्टूडेंट भी हैं मेरे ताल्लुकात में। तो इस हवाले से मैं आपको फुली गाइड करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।